हेलो एवरीवन दिस साक्षी वेलकम टू मैग्नेट एवरी एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंड गार्डन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करवाने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है क्योंकि हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर हिंदी मीडियम स्कूल्स हिंदी मीडियम कोर्स एंड इंग्लिश मीडियम चाहे वो सी हो या वो स्टेट बोर्ड्स हो इतना ही नहीं मैग्नेट ब्रेन आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटेटिव ऑल्सो लाइक एन टी ओलंपियाड एंड मेनी मोर सो दैट मीन्स कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन पर सब कुछ मिलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी के साथ में तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2018 इस 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था इकोनॉमिक्स में उसे हम करने वाले हैं सॉल्व स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे 2020, आ, हम की 2020, जो है आपकी जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो गया नाउ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपके ट्वेल्थ क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स अब इलेवेंथ क्लास का पार्ट हो गई है राइट right? तो अब एक जो छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी दैट इज 2018 में जो पेपर आया था वो तो माइक्रो एंड माइक्रो आया था ना बट अब जब माइक्रो इलेवेंथ में शिफ्ट हो चुकी है तो फिर उसे यहां पर जो है कवर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ दिलेबस वाली बात हो गई है राइट right? तो इसलिए यहाँ पर हम माइक्रो वाला जो सेक्शन है उसे हम सोल्व नहीं करने वाले सेक्शन ए आपका माइक्रो का आता था और सेक्शन बी माइक्रो का आता था तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेक्शन को सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें तो देखो एक सिंपल सी चीज है कि पहले तो वो था ही नहीं तो हम इन पर तो रिलाई नहीं कर सकते हम ये नहीं बोल सकते कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा ही दिया है तो आई गेस वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो तो उसके अलावा स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स करवाई है उन्हें आप देखो उन्हें आप सॉल्व करो एक जो टेस्ट पेपर सीरीज चलती है मैग्नेट ब्रेन की उसमें जो है मैंने आपको हर एक चैप्टर का एक एक सिंगल सिंगल चैप्टर का एक एक जो है टेस्ट पेपर दिया है तो आप उसे सॉल्व करो उससे जो है आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं किया है तो उसे ज़रूर सॉल्व करो और अगर उसकी जो है आपको वीडियोज नहीं मिल रहे हैं तो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना वहां पर जो है आपको प्ले मिल जाएगी और उस प्ले लिस्ट की हेल्प से फिर आप सब कुछ पढ़ सकते ओके okay, तो आगे इसकी इतनी चीजें क्लियर है अब आगे चले और अपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे 2018 का है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी को करने वाले हैं सॉल्व नाउ एक और जो छोटी सी चीज हमें पता होनी चाहिए दैट इज कि 2022 में क्या हुआ है

तो एट दिस पॉइंट हम जब अपने टर्म टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि आ, हमारा जो टर्म टू का सिलेबस है वो हम कंप्लीट करें ठीक है तो मैंने यहाँ पर भी जो हमारा सेक्शन बी है दैट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म टू का पार्ट होने वाले हैं ठीक है थीके? टर्म वन के सिलेबस में जो भी चीज़ें थी या टर्म वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है ओके okay, तो इतनी चीजें हो गई आप लोगों को अच्छे से क्लियर अब चलते हैं क्वेश्चन की साइड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सारे ही को सॉल्व कर लेते हैं और अपना ये जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है विच ऑफ दफेक्ट नेशनल इनकम इनमें से क्या है जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस कारपोरेशन टेक्स सब्सिडीज एंड नन ऑफ दीज ठीक है इनमें से हमें आंसर करना है तो अब क्या है जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है देखो स्टूडेंट जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम जो एग्रीगेट है वो कौन सा होता है दैट इज एन एन पी एट एफ सी राइट right. ये एग्रीगेट है होता है हमारा एन एन पी एट एफ सी एफ सी दॉके अब इसमें क्या करते हैं हम लोग जैसे कि मान लो मेरे पास में मार्केट प्राइस पर कोई भी एग्रीगेट गिवन है तो मैं उसमें से क्या करूंगी उसमें से हम लोग माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो कि हमें अपने फैक्टर कॉस्ट पर लेकर जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर, कर लिखूं तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज ठीक है ये चीज हो गई अब इसमें क्या हो रहा है हम कर रहे हैं मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट एक्सेस को माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो आप इसमें प्लस कर रहे हो किसे? सब्सिडीज को सो दिस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट ठीक है सो दैट स कि आपके जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है हम बोलते हैं नेशनल इनकम इसमें आप सब्सिडी इसको इंक्लूड कर रहे हो एक काइंड यही बोलेंगे ना एमपी में आप क्या कर रहे हो प्लस कर रहे हो सब्सिडीज को और ये क्यों आप ले रहे हो बिकॉज सब्सिडीज क्या है सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर uh, वेरियस चीजें मान लो जैसे कि प्रोडक्शन में तो इससे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है अब इस चीज को ना अपोजिट मत लेकर जाना ये मत बोलना कि मैडम

हो और फिर उसके बाद में हम subsidies बोलेंगे कि subsidies affect करती है, है? ठीक तो इसके हिसाब से आपका correct option क्या हो जाएगा? Your option C, that is subsidies. ये भी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा ठीक है तो आपकी जो ऑप्शन सी है सब्सिडीज होगी आपकी करेक्ट okay, right. ऑप्शन आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर वाई कर्व ओरिजिन जो कंजम्शन कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होता है ओके okay? हम लोग देखते हैं कंजम्पन करते हैं जैसे कि यह हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट और जो कंजम्शन कर्व है वो कहीं यहाँ से मान लो स्टार्ट हो रहा है दिस इज योर सी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये क्या बता रहा है यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है आपके एक्स एक्सेस पर आती है आपकी क्या इनकम एंड यहाँ पर आता है आपका कंजम्पन वाई एक्सिस पर क्या आता है कंजम्पन तो इधर पर कंजम्पन इधर पर इनकम तो ये जो कंजम्पन है ये आपके ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? उसके पीछे का क्या रीजन है तो उसके पीछे का सीधा सीधा और सिंपल सा रीजन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन ओके ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्यों बिकॉज ये चीज हमें ये शो कर रहा है ये जो ओरिजन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो हमें सिंपल सी चीज ये शो कर रहा है कि जब इनकम लेवल होती है ना तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता रहता है ओके okay, जब इनकम लेवल जीरो होती है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता रहता है और क्यों जो है कंजम्पशन किया जाता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती है हम बोले कि जो बेसिक नीड्स होती है वो फुलफिल करना जरूरी होती है ठीक है तो उन बेसिक नीड्स के वजह से एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कंजम्पशन कांट बी जीरो जीरो बिकॉज कभी भी जीरो नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ जो है एक पर्सन की नीड्स रहती है जो बेसिक नीड्स हैं जिनकी जन, वजह से जो है एक पर्सन का सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है तो वो नीड्स को फुलफिल करना जरूरी होता ही है अब अगर पर्सन की इनकम नहीं भी है ना तो वो कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ करके उसकी प्रीवियस सेविंग्स लेकर वो कहीं से भी कुछ भी कर कर जो है उसका क्या करता है उसका जो कुछ कंजम्पशन है वो जरूर इनकर करता है चाहे वो थोड़ा सा ही हो लेकिन कंजम्पशन जरूर किया जाता है इसी वजह से जो है आपका कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है ओके आई गेस क्लियर हो गई आप लोगों को बात हमारी कि क्या है क्यों जो है हमारा कंजम्पशन कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है आंसर लिख देते हैं एज कंजशन इंक्लूड ऑटोनॉमस कंजम्पन एंड ऑटोनॉमस कंजम्पन बी जीरो कंजम्पन में क्या इंक्लूडेड है ऑटोनॉमस कंजम्शन भी होता है और ऑटोनॉमस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है इसलिए आपका जो कंजम्पन कर्व है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब कि कंजन आपका जीरो हो गया तो वो चीज नहीं होती है इसलिए जो है आपका कंजम्पन कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है ओके फिर उसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर गिवन नॉमिनल इनकम हाउ कैन वी फाइंड रियल इनकम एक्सप्लेन क्या बोला गया हमें की क्या है हमें क्वेश्चन कि क्या गिवन है नॉमिनल इनकम गिवन है नॉमिनल इनकम अगर गिवन है तो फिर हम जो है उससे रियल इनकम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसे आपको एक्सप्लेन करना है या तो आपको या ये ये आंसर आंसर वाला जो क्वेश्चन है है वो करना है, या फिर इसके नीचे वाले जो क्वेश्चन गिवन है वो आंसर करना है ठीक है तो अब ये क्या क्वेश्चन गिवन है ये भी देख लेते हैं विच एम दी फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स गिव रीजन आपके पास में तीन स्टेटमेंट गिवन है तीन एग्जाम्पल गिवन है आपको बोला गया कि इनमें से कौन से हैं जो कि फाइनल गुड्स होते हैं और कौन से हैं जो कि इंटरमीडिएट गुड्स है और इसे आप विध रीजन एक्सप्लेन करना है ठीक है तो फर्स्ट है आपके पास में मिल्क परचेज बाय अ टी स्टॉल बी है आपके पास में बस परचेज बाय अ स्कूल सी है आपके पास में जूस परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन ठीक है तो ये तीन जो है आपके पास में क्या गिवन है स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से फाइनल गुड कौन सा और इंटरमीडिएट गुड कौन सा है ओके okay. या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर करना है दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर करना होगा अब अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप दोनों में से एक क्वेश्चन आंसर करोगे लेकिन अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे एग्जाम में कभी भी जो और वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें दोनों क्वेश्चंस को आप कभी भी आंसर नहीं करोगे एक ही क्वेश्चन का आंसर करोगे बिकॉज दो क्वेश्चंस पर आपको जो है डबल डबल मार्क्स नहीं मिलने वाले इसलिए आप एक ही क्वेश्चन को आंसर करोगे ठीक है बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर प्रैक्टिस टाइम पर अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है ठीक है तो चलो अब जो है हम वन बाय वन दोनों के ही सोल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले हम जो है अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे सोल्व कि अगर नॉमिनल इनकम गिवन है तो रियल इनकम को आप कैसे करोगे फाइंड आउट उसे आपको एक्सप्लेन करना है रियल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय हम अपनी जो रियल इनकम है वो निकाल सकते हैं रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस इंडेक्स ऑफ बेस इयर होता है स्टूडेंट्स इसे हम जो है नॉर्मली क्या मानते हैं दिस इज अज्यूम्ड या फिर कंसिडर्ड एज टू बी इक्वल टू 100. इसलिए हम जो है अपना फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं या यह, यहाँ पर जी डी डिफ्लेटर हटाओ इस चीज को जो है ना हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर हंड्रेड लिख देते हैं दैट इज नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ठीक है तो कंसिडर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर एज हंड्रेड ओके या फिर जो है जीडीपी डिफ्लेटर ले लिया सो वेल इनकम इज वी कैन रियल इनकम विद्प ऑफ जी डी पी डिफ्लेटर दैट इज रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाई जी डीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ठीक है तो ये और ये फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है नॉमिनल इनकम को रियल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके सो आए गए इसकी क्लियर हो गई ये क्वेश्चन फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कौन सा गुड आपका फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है तो पहले एक बार जो है यहां पर आ जाते हैं ठीक है क्या है क्या हमारा फर्स्ट वाला मिल्क बाय टी स्टॉल टी स्टॉल ने जो है एक जो है आपका मिल्क परचेज किया ठीक है तो अब ये फाइनल है या ये इंटरमीडिएट है ये चीज हमें बतानी है अब इसका सीधा सा आंसर हम लिखेंगे टी स्टॉल का काम क्या है टी स्टॉल का काम है टी सेल करना मिल्क सेल नहीं करना है वो क्या करेगा टी सेल करेगा तो जो भी एक टी स्टॉल का ओनर होगा उसने मिल्क परचेज किया किस पर्पज से कि वो उस मिल्क को और प्रोसेस करेगा ठीक है उस मिल्क में और वैल्यू एडिशन करेगा और उसे क्या बनाएगा टी बनाएगा ठीक है तो मिल्क वुड बी कन्वर्टेड टू टी ठीक है तो इसके लिए जो है मिल्क आ, आ, हम इस वाले अगर सिचुएशन में बोले तो मिल्क फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है दिस इज इंटरमीडिएट गुड क्योंकि मिल्क एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है उसका फाइनल गुड क्या होता है टी है ठीक है जो वो जो फाइनली जो सेल कर रहा है वो टी सेल कर रहा है और टी को बनाने के लिए जो भी चीजें यूज हुई वो रॉ मटेरियल ही होंगे तो जो हमारा फर्स्ट वाला है इसे हम बोलेंगे कि ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है ठीक है फिर बी है आपका बस परचेस्ड बाय स्कूल एक स्कूल ने क्या किया है बस को परचेज किया है तो स्कूल ने बस क्यों परचेज की है उसके फाइनल जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट ही हुआ ना वो क्योंकि बस सॉरी जो स्कूल है उसने बस परचेज की अब वो उस बस में कोई भी काइंड kind ऑफ of का और प्रोसेसिंग तो नहीं कर रहा है राइट तो बस परचेज बाय स्कूल क्या होगा ये होगी हमारी फाइनल गुड ठीक है फिर जो सी ऑप्शन है सॉरी जो सी वाली स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास में जूस परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल कैंटीन एक स्कूल कैंटीन में से एक स्टूडेंट ने क्या किया है जूस परचेज किया है तो अब ये क्या है जूस जो परचेज किया गया है बाय अ स्टूडेंट इन अ स्कूल कैंटीन ये क्यों uh, उसने खरीदा होगा खुद के कंजम्पन के लिए ठीक है तो ये जो जूस परचेस किया गया ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ ये इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट हुआ दिस वुड भी फाइनल प्रोडक्ट क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है एक कंज्यूमर या हम बोले एक स्टूडेंट के नीड को फुलफिल करने के लिए जो है यूज किया जा रहा है तो ये भी आपका फाइनल गुड होगा ठीक है तो अब यहां से हमने देख लिया कौन सा इंटरमीडिएट है कौन सा फाइनल है अब इस चीज को हम क्या करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसको आंसर में लिखेंगे तो यह आता है सबसे पहले हम ए वाला लिख देते हैं सो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट इज यूज बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी एंड नॉट फॉर फाइनल कंजम्पशन ठीक है तो ये इंटरमीडिएट गुड क्यों हुआ क्योंकि ये यूज किया जा रहा है एक प्रोड्यूसर के थ्रू किस चीज में प्रोडक्शन प्रोसेस में टी को बनाने में कोई फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं उसने यूज किया उसने टी को बनाने के लिए मिल्क यूज किया है इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा ठीक है फिर जो बी है इट इज अ फाइनल गुड एज इट इज परचेज बाय स्कूल फॉर फाइनल कंजन जो स्कूल है, है। इसलिए वो फाइनल गुड होगा ठीक है फिर सी ऑप्शन मतलब नॉट ऑप्शन सॉरी जो सी वाली हमारी स्टेटमेंट है वो होगा आपका क्या फाइनल गुड एज इट इज परचेज बाय स्टूडेंट फॉर हिज फाइनल कंजम्पन ओके तो आई गेस की ये तीनों ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर है और ये जो हमारा क्वेश्चन था आई होप सो अच्छे से क्लियर है आप लोगों को उसके बाद में आ जाए पर। है अब आपके पास में डिफाइन मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर आपको डिफाइन करना है एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर क्या रिलेशनशिप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में हमें ये भी बताना है

एम कैलकुलेट करोगे जब मल्टीप्लायर की वैल्यू फोर है तब ठीक है तो चलो अब इसका जो है आंसर देख लो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लायर को डिफाइन करेंगे सो इन इकोनॉमिक्स अ मल्टीप्लायर इज अ फैक्टर बाय विच गेन्स इन टोटल आउटपुट आर ग्रेटर देन चेंज इन स्पेंडिंग दैट कॉज इट इट इज यूजली यूज इन रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड टोटल नेशनल इनकम ठीक है तो जो आपका मल्टीप्लायर है वो किस चीज़ का रिलेशनशिप आपको शो करता है इन्वेस्टमेंट और टोटल नेशनल इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप है ये करता है आपको शो ठीक है अब जो आपका मल्टीप्लायर वो बेसिकली आपको क्या बताता है कि आपका जो इनिशियल इंक्रीमेंट है इन्वेस्टमेंट में उसकी वजह से आपकी जो फाइनल इनकम है जो फाइनल नेशनल इनकम है वो कितनी इनक्रीज हो रही है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर ठीक है कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो जैसे कि मल्टीप्लायर यहाँ पर फोर दिया है तो हम बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट का फोर टाइम्स जो है आपकी इनकम इनक्रीज हो रही है ओके आई गेस क्लियर है अब उसके बाद में आता है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर एम और मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशनशिप तो एमपीसी और मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ठीक है दोनों जो है एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं दैट मीन्स की अगर आपका एम की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होती है और वही हम बोलेंगे एम की वैल्यू कम होती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होती है ठीक तो ठीक है और अगर इसे हमें एल्जेबरिकली या हम बोले कि विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला बताना है तो हम क्या बताएंगे कि k k इज वॉट योर मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एम पी सी ठीक है ये होता है आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू दैट इज के इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एम पी सी ओके okay, तो अब इस चीज को हम लिख देते हैं और देख लेते हैं सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड मल्टीप्लायर एज दी हायर एम पी सी दायर मल्टीप्लायर एंड वाइज वर्सा ठीक है और ये क्यों हो रहा है क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि ज्यादा एम पी सी तो ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू बिकॉज देखो स्टूडेंट जो हमारा मल्टीप्लायर है ना वो किस पर्टिकुलर नॉर्म पर बेस्ड है सो मल्टीप्लायर जो है वो ये कहता है कि आप जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी अगर आप उस मनी को सेव कर रखोगे तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी वो मनी जो है वो वैसे ही रखा रहेगा और जैसे जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू जो मनी की वेल्यू वो कम ही होनी है लेकिन अगर आप उसी चीज को इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम ज्यादा टाइम्स जो है इंक्रीज होती है तो इन्वेस्ट करना वही हम बोलेंगे कि एक काइंड ऑफ कंजम्पशन ही हो रहा है ना आप स्पेंड कर रहे हो आप सेव नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आप स्पेंड कर रहे हो मनी को अब अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो दूसरे पर्सन की इनकम बनती है ठीक है तो आप जो ये मनी स्पेंड कर रहे हो वो जितना ज्यादा आप मनी स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा ही जो इनकम है वो इंक्रीज होगी ठीक है इसलिए बोला जाता है कि एमपीसी और मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप है ठीक है वहीं अगर एमपीएस और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है ज्यादा एमपीएस का मतलब होता है कम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड बाइज वर्सा ओके तो आई गेस इतनी चीज क्लियर है अब आता है जो लास्ट वाला इसका पार्ट है दैट इज कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज फोर ठीक है तो देखो मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको फोर दी गई और MPC आपको करना है फाइंड आउट हमें पता है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है सो डिवाइडेड बाय वन माइनस एम माइनस MPC अब इसको सॉल्व करो इस वन माइनस एम को इस साइड पर ले जाओ तो ये आ गया आपका वन माइनस एम इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय फोर अब इसको आपको सॉल्व करना है डिवाइडेड बाय को देखो प्रॉपरली इसको डिवाइड कर लो बहुत ही इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा पॉइंट टू फाइव मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूं यहां पर हमने सबसे पहले पॉइंट लगाया तो इधर पर जीरो आया ये आ गया टू ये आ गया एट ये आ गया ट्वेंटी एंड दिस वुड बी फाइव तो पॉइंट टू फाइव आ रहा है आपका आंसर वन माइनस एम पी सी इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फाइव हमें एम पी सी की वैल्यू चाहिए वन माइनस एम पी सी की नहीं चाहिए इस एम पी सी को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊं और जो हमारा जीरो पॉइंट टू फाइव है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊं तो ये आ गया आपका वन माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इज इक्वल्स टू एम पी सी ठीक है वन माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वैल गए जीरो पॉइंट सेवन फाइव या आ गई आपकी एम पी सी की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ओके सो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से कैसे हमने जो है फाइंड आउट किया है अपना जो एम है साथ ही साथ जो इसके पहले के ये ही क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग के दो पार्ट थे आई होप सो वो भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए हैं ओके फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर <coughs> अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में सॉरी वॉट इज मेंट बाय इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मतलब होता है स्टेट थ्री मेजर्स टू रिड्यूस दिस गैप ठीक है और तीन मेजर्स आपको बताना है जिससे कि आप इस गैप को रिड्यूस कर सकते हो या फिर आपको या answer, ये वाला demand, का क्या मतलब होता है और उसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं तो अब एट प्रेजेंट हम इन दोनों ही क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली क्या है क्या शो कर रहा है इन्फ्लेशनरी गैप तब राइज होता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो किससे ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से ठीक है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी डिमांड हो रही है तो ऐसे केस में जो आपका आ, कौन सा कौन सा गैप जो है वो क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप ठीक है है जो इन्फ्लेशनरी गैप आपको देखने को मिलता है कि जो चीजों की प्राइजेस है वो बढ़ रही है तो अब इन्फ्लेशनरी गैप को आप कैसे रिड्यूस करोगे उसके लिए आपको तीन मेजर्स बताने हैं तो चलो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले हमने इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करा एंड इन्फ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी ठीक है या फिर हम इसको बोलेंगे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एक्सीज पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड ठीक है आप ये भी बोल सकते हो इसे और जो चीज है मतलब कि अगर आपको ये जो है ना ये सब कुछ ऐसा लग जाए कि मैडम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बेसिकली आपका इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो गया कि एक्चुअल में आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी एक्सीड कर रही है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ठीक है रिड्यूस करने के वो देख लेते हैं सबसे पहला आया कि आपके पास में फिजिकल पॉलिसी फिजकल पॉलिसी क्या होती है ये वो पॉलिसी है जो की गवर्नमेंट अंडरटेक करती है ठीक है वो सारे मेजर्स जो की गवर्नमेंट अंडरटेक करती है किसी भी काइंड ऑफ गैप को या किसी भी काइंड ऑफ अन ईवन सिचुएशन को जो है इक्वल करने में उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं ठीक है सो फिस्कल पॉलिसी इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दैट इज रेवेन्यू में हम बता रहे हैं टेक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू अकम्पलिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ठीक है

तो ऐसे केस में जो फिजिकल पॉलिसी का वर्क है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस किया जाए कैसे रिड्यूस किया जा सकता है स्टूडेंट्स टैक्सेस बढ़ा दिए टैक्सेस के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज कर दिए ठीक है अब इंक्रीज इन टैक्सेस की वजह से क्या हुआ अब लोगों को जो है ज्यादा मनी एज अ टैक्स पे करना पड़ा उनके लिए कॉस्ट बढ़ गया तो अल्टीमेटली उनकी परचेजिंग पावर कम होगी और जब ऐसा होगा तो वो लोग परचेज कम करेंगे ठीक है या, या फिर क्या कर सकते गवर्नमेंट उसके जो एक्सपेंडिचर्स है जो पब्लिक वर्क एक्सपेंडिचर्स है वो रिड्यूस कर दिए अब इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को कम काम मिल रहा है उसकी वजह से लोगों के पास में इकोनॉमी में कम मनी जा रहा है और जब मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड अपने आप जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ठीक है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे फिजिकल पॉलिसी के अंडर आ जाएंगे फिर आती है मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी वो मेजर्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अंडरटेक करती है ठीक है विच इज देंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सो वो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई तो आर बी आई जो भी मेजर्स अंडरटेक करती है टू कंट्रोल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन तो उसे हम मॉनिट्री पॉलिसी कहते हैं ठीक है सो मॉनिट्री पॉलिसी इज यूज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी ठीक है जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यूज करती है कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को और क्रेडिट को इकोनॉमी में Therefore, it is also called central bank's credit control policy. और इसीलिए जो है क्योंकि central bank इसे control कर रही है, तो इसीलिए हम monetary policy को central bank's credit control policy भी कहते हैं. Central bank uses various measures to cure excess demand. ठीक है Uh, तो जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो वेरियस मेजर्स यूज करती है टू क्योर वॉट एक्सेस डिमांड जैसे कि आरबीआई इंक्रीजेस बैंक रेट ड्यू टू विच क्रेडिट बिकम्स कॉस्टलियर दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई ठीक है तो आरबीआई क्या कर रही है बैंक रेट उनने इंक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से क्रेडिट जो है वो महंगा हो गया है ठीक है वो कॉस्टलियर बन गया है और ये जो है फिर हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में ठीक है क्योंकि जब कॉस्टलियर क्रेडिट होगा तो लोग कम खरीदेंगे और मनी मतलब कि कम क्रेडिट लेंगे और फिर उसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहेगा ठीक है या फिर जो और भी जो मेजर्स है लाइक मार्जिन रिक्वायरमेंट रेपो रेट ये सब कुछ जो है आरबीआई यूज करती है टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड ओके और जो हमारी थर्ड वाली है वो आ जाती है हमारे सामने मिसलेनियस सो अदर एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स आर इम्पैक्ट ऑफ प्रमो आर इम्पोर्ट प्रमोशन वेज फ्रीज कंट्रोल एंड ब्लॉकिंग ऑफ लिक्विड एसिड कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स फॉर हाउस होल्ड इनक्रीज इन प्रोडक्शन बाई यूटिलाईजिंग आईड कैपेसिटीज एक्सेट्रा ठीक है तो मिसलेनियस में कुछ जो आपकी कंप्लीटली हम डायरेक्टली मॉनेटरी और फिजिकल नहीं बोल रहे हैं वो सब कुछ जो है वो आपके मिसलेनियस में आ जाती है कुछ जो है एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स अंडरटेक किए जाते हैं जैसे कि ये हो गए आपके इंपोर्ट प्रमोशन वेज फ्रीज और ये सारी चीजें तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कंट्रोल की जाती है जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस की जाती है जब मनी सप्लाई रिड्यूस होता है तो लोगों के पास में भी जो मनी है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से जो उनकी डिमांड है वो, तो वो चीज आपकी क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है ओके okay, तो आई गेस क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है उसे हम लोग आंसर कर दें और वाला क्वेश्चन क्या था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है आपको ये बताने हैं तो एग्रीगेट डिमांड और डोमेस्टिक फाइनल डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी

Are, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम तो अब ये चारों को ही हम जो है एक शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं सी हो जाता है आपका क्या कंजन ठीक है आई इज इन्वेस्टमेंट जी होती है आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्स माइनस एम क्या होता है नेट एक्सपोर्ट ठीक है तो ये हमारे चार एग्रीगेट होते हैं इसमें से जब हम इक्विलीब्रम फाइंड आउट करते हैं तो हम सिर्फ दो एग दो components को ही क्या करते हैं अज्यूम करते हैं कि एडी के सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं बट जब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके जो एग्रीगेट डिमांड है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो हम ये चारों कंपोनेंट्स बता बता देंगे चारों सेक्टर के जो है हम यहाँ पर कंपोनेंट्स बता देते हैं अब वन बाय वन हम हम इन, इन चारों को ही जो है शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपका जो आंसर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ओके कंजम्पन सो दिस इज मेड बाय हाउस होल्ड एंड समटाइम्स कंजम्पन अकाउंट्स फॉर द लार्जर पोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज इन कंजम्पन सिर्फ शिफ्ट दर्व टू दी राइट ठीक है तो so, कंजप्शन में हम क्या बता रहे हैं भाई कि ये जो है हाउस होल्ड यूजअली कंजम्पन एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं कंजम्पन है वो यूजली हाउस होल्ड करते हैं और जो कंजम्शन है वो आपके एग्रीगेट डिमांड का एक मेजर पोर्शन जो है कवर करता है ओके okay? सो so, अगर कंजन में इंक्रीज होता है तो एडी कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट होता है मतलब कि अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो एडी कर्व राइट में शिफ्ट होता हुआ क्या दिखाता है कि वो जो है इंक्रीज की वजह से जो आपका एडी कर्व है वो आपको लाइट में शिफ्ट होता हुआ आपको दिखता है ठीक है फिर उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट सेकेंड ऑफ द फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द स्पेंडिंग बाय फर्म्स नॉट हाउसहोल्ड्स ठीक है इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट फर्म्स कर रही है हाउस नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म्स करती हैं हाउएवर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एडी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक काफी वोलेटाइल कंपोनेंट है किसका एडी का

फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दी लॉन्ग रन ठीक है तो कंजम्शन हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो गया आपका प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर हम बोले फर्म्स उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर ठीक है अब गवर्नमेंट uh, के जो एक्सपेंडिचर है जो स्पेंडिंग है ये सब कुछ उसमें आ जाएंगे ठीक है सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड टू दी राइट ठीक है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग uh, है वो एक लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है ये, uh, उसमें रहता है ठीक है मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक फॉर्म करती है काफी लार्ज पार्ट इन दी एग्रीगेट डिमांड और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी इंक्रीज हो तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहा शिफ्ट हो जाती है आपके राइट right में ठीक है दिस स्पेंडिंग इज कैटेगराइज इन टू ट्रांसफर पेमेंट एंड कैपिटल स्पेंडिंग ठीक है यह जो स्पेंडिंग है ये कैटेगराइज कीज आती है किस चीज में ट्रांसफर पेमेंट्स और कैपिटल स्पेंडिंग में ओके नाउ नेट एक्सपोर्ट्स जो कि हमारा फॉरेन सेक्टर हो जाएगा सो इंपोर्ट्स आर फॉरेन गुड्स बॉट बाय कंज्यूमर्स डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट्स आर डोमेस्टिक गुड्स बॉट अब्रॉड ठीक है इंपोर्ट क्या हो जाएगा इंपोर्ट हो जाएंगे आपके फॉरेन गुड्स जो कि कंज्यूमर्स डोमेस्टिकली क्या करते हैं इम्पोर्ट्स uh, uh, जो आपके uh, बाहर वाले जो भी uh, मतलब कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो जो फॉरेन गुड्स को क्या कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं वो आपके इम्पोर्ट हो जाते हैं एंड एक्सपोर्ट्स क्या हो गए हमारे गुड्स दैट इज डोमेस्टिक गुड्स जो है वो फॉरेनर्स डिमांड कर रहे हैं ठीक है नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ठीक है जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो क्या है वो होता है डिफरेंस आपके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करो और अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो हम उसे नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं और अगर वही हम इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे हम नेट इंपोर्ट्स बोल देते हैं ठीक है एंड दिस कंपोनेंट कैन बी नेट इंपोर्ट्स टू इट इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स ठीक है आपने एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट किया अगर उसमें भी आपका माइनस में आंसर आ जाता है तो वो आपका नेट इंपोर्ट्स कहलाता है ओके एंड इंक्रीज इन नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड टू द राइट द एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड पॉलिसी अफेक्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स ठीक है तो ये हमारे क्या हो गए ये हमारे जो चार कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के वो हो जाते हैं आई होप सो क्लियर है आप लोगों को अच्छे से ये जो हमारे सारे ही जो आ, हमारे कंपोनेंट्स हैं ये ठीक है एंड आई होप सो कि ये जो पूरा हमारा आंसर है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है अब इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैल्यू ऑफ मार्जिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजन है वो आपको जीरो पॉइंट सिक्स दिया हुआ है इनिशियल इनकम इन द इकोनॉमी रूपी इज हंड्रेड करोर इनिशियल इनकम जो है वो आपकी हंड्रेड करोर गिवन है प्रिपेयर शेड्यूल शोइंग इनकम कंजम्पशन एंड शेविंग एंड सेविंग एक शेड्यूल हमें बनाना है जिसमें हम इनकम कंजम्पशन और सेविंग बताएंगे ऑल्सो शो द इक्विलीब्रेम लेवल ऑफ इनकम बाय अज्यूमिंग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑफ एटी करोड ठीक है अब देखो आपको एक शेड्यूल बनाना है स्टूडेंट्स उसमें जो आपकी इनकम होगी उसकी जो इनिशियल इनकम गिवन है हमारे पास में कितनी हंड्रेड करोड़ की ठीक है है ये ये कंपलसरी आप लोगों को सब कुछ लिखना ही है। आपके पास में एम गिवन है कितना जीरो पॉइंट सिक्स मतलब कि इसमें जो चेंज होगा उसका पॉइंट सिक्स परसेंट जो है वो आपका कंजम्सन होने वाला है उसके बाद में आपको बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है आपका एट्टी करोड़ का है यह आपका या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो गया अब आपको इसके आगे की इनकम का जो है पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना है उसके बाद में आपको एंड सेविंग जो है, ये भी आपको फ्रेम करने है ठीक है वो फिगर्स भी आपको लिखने होंगे ओके okay, तो ये पूरा जो है शेड्यूल आपको बनाना होगा अब हम इसे कैसे बनाने वाले हैं इस चीज को समझते हैं ये शेड्यूल कैसे हम लोग फ्रेम कर पाएंगे ये देखते हैं देखो हमने बताया गिवन दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एमपीसी पीसी जीरो पॉइंट सिक्स इनिशियल इनकम है आपकी हंड्रेड करोड़ की ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है आपका एटी करोड़ का उसके बाद में वी नो दिस थिंग सी इज इक्वल्स टू सी बार सी बार प्लस सी वाई या फिर इसे आप बी वाई भी कह सकते हो ठीक है या फिर इसे आप एम पी सी भी लिख सकते हो सब कुछ जो है वैसे ही आएगा तो C इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वाई ठीक है ये चीज हमने लिखी अभी अब इस चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ये हंड्रेड हमने इनकम लिख दी अभी अभी हम क्या देख कर आए थे सी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वाई दैट इज हमें जीरो पॉइंट सिक्स वाई निकालना है तो मैं क्या कर दू जीरो तो आ, आ गया हमारा हंड्रेड सॉरी ये आ गया हमारा 60, ठीक है उसके बाद में 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू नेक्स्ट वाला क्या है हमारी इनकम हमने क्या ली है 200। तो 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 120, ठीक है देन 0.6 पॉइंट इंटू थ्री करने पर क्या मिला हमें 180 मिल 0.6 okay. अब इसके बाद में आपको सेविंग्स निकालनी है सेविंग्स के लिए आप क्या करोगे हमें पता है इनकम माइनस कंजन करते हैं तो सेविंग्स मिलती है हमें तो बस वही करो इनकम माइनस कंजम्पन कर दो तो सेविंग मिल जाएगी हंड्रेड माइनस सिक्सटी गया आपका फोर्टी कितना 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 आ आ आ आ गया? 120. 400 minus 240 कितना आ गया 160. And 500 minus 300 कितना आ गया गया आपका आपका टू हंड्रेड अब जो है इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितना है एटी एटी है तो वो हमने लिख दिया एज इट इज अब इसके बाद में अब क्या बताना है हमें अब हमें ये बताना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर कब होगी गिवन दिस इन्वेस्टमेंट और ये जो पूरा हमने शेड्यूल बनाया है तो हमें पता है कि इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम होने के लिए दो अप्रोचेस की जरूरत होती है या फिर हम बोले दो अप्रोचेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक होता है आपका एडीएस अप्रोच और एक होता है आपका एस एन आई अप्रोच ठीक है अब एडीएस अप्रोच तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर फिर हमें जो है एडी को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा सेपरेटली एस दैट इज इक्वल टू इनकम होता है वो तो है आपके पास में अब जो है आपको प्लस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब आपको एडी मिलेगी तो उससे अच्छा है ना कि हमारा जो दूसरा वाला अप्रोच है दैट इज अप्रोच है उसे यूज कर ले सेविंग्स भी आपके पास में इन्वेस्टमेंट भी है बस देखना क्या है कि कहां पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो रही है ठीक है तो दिस इज फोर्टी एट्टी 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 ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के राइट right? तो ये एटी एटी जब इक्वल हुए तो दैट मीन कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो इकोनॉमी है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है ठीक है ये 80 -80 जो है ये इक्विलिब्रियम बता रही है सो दैट मीन जब ट्वेंटी सॉरी टू हंड्रेड करोर की जब इनकम होगी एट दैट लेवल जो हमारी इकोनॉमी वो इक्विलिब्रियम पर कहलाएगी सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई और एस इज इक्वल्स टू आई देर फोर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज

Calculate net national product at market price and ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है आपको फाइंड आउट करना है और जी डी पी एट एफ सी फाइंड आउट करना है और ये कुछ आपके पास में डेटा गिवन है तो आप सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या क्या चीजें गिवन है और हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो देखो क्या गिवन है रेंट एंड इंटरेस्ट वेजेस एंड सैलरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज कॉर्पोरेशन टैक्स नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डिविडेंस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स एंड मिक्स इनकम ठीक है ये जो सारी जो सारी वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में ये कौन से पर्टिकुलर मेथड के करस्पॉन्डिंग आपकी आ रही है या हम बोले कि ये जो हमारे पास में वेरियस जो वैल्यूज uh, है जो ये कंपोनेंट्स गिवन है ये हमें कौन सा मेथड शो कर रही है सो दिस इज वॉट दिस इज योर इनकम मेथड राइट इनकम मेथर्ड में हम लोग ये सब कुछ करते हैं ये सब कुछ हम लोग यूज करते हैं तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम ठीक है अब ये इनकम मेथड से आपको एग्रीगेट कौन सा मिलता है तो वो आपको मिलता है आपका एनडीपीएफसी ठीक है इस एनडीपीएटी से हम एन एन पी एट एमपी पर भी चले जाएंगे और एट जीडीपीएटसी पर भी चले जाएंगे तो हम एनडीपी एट एनडीपीएटसी को सबसे पहले क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं इसका फॉर्मुला है आपका क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सर प्लस प्लस मिक्सड इनकम क्या क्या वैल्यूज हम यहां से लेने वाले हैं वो देखें रेंट एंड इंटरेस्ट ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं अगर एक्सपांड कर, कर बताऊं तो क्या आता है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ठीक है तो रेंट एंड इंटरेस्ट हम लोग लेंगे एंड सैलरीज आपके सीओई का पार्ट है ठीक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को अगर हम एक्सपांड करें तो क्या होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय ठीक है वो चीजें आ जाती है तो ये वेजेस एंड सैलरीज आप लोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट स्टूडेंट ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये किसका पार्ट होता है ये पार्ट होता है आपके प्रॉफिट का प्रॉफिट हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी हम लेंगे ठीक है उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स देखें तो ये भी आपके प्रॉफिट का ही पार्ट है प्रॉफिट को अगर मैं एक्सपांड तो है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कारपोरेशन टैक्स एंड डिविडेंड्स ठीक है तो ये आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके प्रॉफिट का पार्ट है इसलिए लिया कॉरपोरेशन टैक्स लिया एंड ये डिविडेंस ठीक है ये भी क्या है आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है इसलिए इसे भी हम इंक्लूड करेंगे उसके बाद में ऑफ़ फिक्स कैपिटल अभी नहीं DPAT, में ज़रूरत नहीं ये आपके का पार्ट होता है, तो है, है सोशल सब सब एड करने वाले हैं दैट इज सिक्स थाउजेंड एटीन हंड्रेड फोर हंड्रेड उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स आपका वन ट्वेंटी का डिविडेंट देन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू हंड्रेड एंड मिक्सड इनकम थाउजेंड ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे इन सेवन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अपना एनडीपी एनडीपीएटसी ठीक है अब इस एनडीपी एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करने के बाद में जब हमें एनएनपीएटी पर जाना है तो हम क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को और ऐड क्या करेंगे हमारा एन एफ आई ए दट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो हम इसको माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जब लिखा हुआ है तो उसे हम माइनस करेंगे ठीक है फ्रॉम होता है तो हम प्लस करते हैं अब अगर टू दिया है तो हम उसे माइनस कर देंगे अब आगे की इतनी चीज करनी है एनआईटी देखो नेट इनडायरेक्ट एक्सेस डायरेक्टली गिवन है हंड्रेड आप एड कर दो और फिर उसके बाद में यहां पर देखें तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस सेवेंटी ठीक है तो माइनस माइनस सेवेंटी हम करेंगे तो वो प्लस सेवेंटी ही होना है तो अब आपको इन सारे फिगर्स को लेना है इनसे जो है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा ठीक है तो चलो अब इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं हमारा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है इसकी वैल्यू को हम लोग कर लेते हैं फाइंड आउट सो एनडीपीएट एफ किया हमने सबसे पहले तो हमारा फाइंड आउट ठीक है यह आएगा आपका वेजेस एंड सैलरी उसके बाद में एस एस सी एम्प्लॉयर्स प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्सड इनकम ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है अपना एनडीपीएटसी निकाल लिया इन सारी वैल्यूज को हमने किया एड 1800 हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस एटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस फोर हंड्रेड एंड प्लस थाउजेंड तो आपका एनडीपीएट एफ कितना आ गया 9600 करोड़ आ गया है। है अब आपको जो है यहाँ पर आउट क्या करना है ठीक है? है ये करना इस 9600 करोड़ में आप क्या करोगे? Add करोगे। कितना आपके net indirect taxes कितने given है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में हंड्रेड है और ये आपका माइनस सेवेंटी ठीक है थीके? तो प्लस इसमें हंड्रेड करो और माइनस माइनस सेवेंटी दिस विल गिव यू माइनस माइनस प्लस सेवेंटी हो जाएगा तो प्लस हंड्रेड एंड प्लस सेवेंटी दैट इज वन सेवेंटी तो नाइनटी सिक्स हंड्रेड में जब आपने वन सेवेंटी को और ऐड किया तो ये आ गया आपका नाइनटी नाइनटी सेवन ओके नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी करोड़ ये क्या बनी स्टूडेंट्स ये बनी आपकी एन एट एम की वैल्यू ठीक है एन एन एट एम जो कि हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 9770 थाउजेंड करोड़ ये आपकी एन एट एफ आई थी ओके okay? अब आपको क्या कर लेना है अब आपको जी एट एम फाइंड आउट कर लेना है जीडीपी एट एम को कैसे कर लोगे स्टूडेंट्स फाइंड आउट जी एट एफ नॉट एम सॉरी एफ निकालना है हमें तो अब NDP एफ सी में सिर्फ और सिर्फ आपको नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो NDP at FC प्लस कंज़म्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल करेंगे कंज़म्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें 50 गिवन है तो ये 50 हम लिख देंगे यहां पर सो so, 9600 प्लस 50 करो सो दिस विल गिव यू वॉट 9650 करोड़ ठीक है तो ये आ गई आपकी जी एट एफ सी की वैल्यू ओके सो आई गेस की क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से और आई होप सो कि ये जो हमारा 2018 का जो पेपर है इसका जो हमारा ये सेक्शन बी था इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आई होप सो ये पूरा ही आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है विद हम लोग जो है अपने इस 2018 के पेपर को करते हैं एंड और इस पर्टिकुलर वीडियो को खत्म करने से पहले एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी दैट इज अब मैग्नेट ब्रेन जो है हिंदी में भी अवेलेबल है ओके okay? जो मैग्नेट ब्रेन हिंदी आपको एक चैनल मिलेगा यूट्यूब पर आपको जाना है और उस चैनल को करना है सब्सक्राइब और उसे करना है शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि अब मैग्नेट ब्रेन पर हर क्लास के हर सब्जेक्ट के जो है हिंदी मीडियम के हिसाब से या हिंदी में जो है वीडियो लेक्चर अवेलेबल है सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल ऑल्सो स्टूडेंट्स आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैग्नेट ब्रेन के जो वीडियोज है वो आप लोगों को जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम या फिर जो हमारा ऐप है मैग्नेट ब्रेन आप लोगों को वहां से भी जो है ये सारे वीडियोज मिल सकते हैं या आप वहां पर जाकर जो है इन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं कई बार जो है यूट्यूब पे फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वेबसाइट और ऐप पे चले जाओ वहां पर आपको सब कुछ जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज मिल जाएगा ऑलजो स्टूडेंट हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन आप लोग इसे सब्सक्राइब करें इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक दीडियोज थैंक यू